उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात सुना। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इस कार्यक्रम के 110 साल पूरे होने पर बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि इस कार्यक्रम ने छोटे स्तर पर काम करने वालों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने पर बधाई देता हूं। यह कार्यक्रम उन लोगों को पहचान दिलाने का माध्यम बना है जो निस्वार्थ रूप से समाज सेवा कर रहे थे। पीएम मोदी अक्सर अपने कार्यक्रमों में उत्तराखंड का जिक्र करते हैं। आज उन्होंने उत्तरकाशी का उल्लेख कर राज्य के लोगों को गौरव बढ़ाया है। कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री ने आम जनता की अनसुनी कहानियों को सामने लाया है। मन की बात एपिसोड के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं 3 अक्टूबर को, और 3 अक्टूबर से हमारे नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं। और इन 10 सालों में मन की बात के कार्यक्रमों में एक साधक की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की उन प्रमुख विभूतियों को, जिनको अपनी साधना में जो लगे हुए थे, लेकिन उनको देश के अंदर एक पहचान उस तरह से नहीं थी जितना वो काम कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से उनको मन के एपिसोड में शामिल किया, पूरे देश के अंदर उनको पहचान मिली, दुनिया के अंदर पहचान मिली, साथ ही उन सबका प्रोत्साहन हुआ और अनेक अनेक जो लोग छोटे छोटे स्थानों पर बड़े बड़े काम कर रहे थे वो पूरी देश दुनिया की नज़र में आए और लोगों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बने। मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो लगभग उनका मन की बात का कार्यक्रम हो या कोई अन्य कार्यक्रम हो, हर एक कार्यक्रम में उत्तराखंड का वो अवश्य स्मरण करते हैं। आज भी उत्तरकाशी के हमारे गांव का उन्होंने जिक्र किया, जहां स्वच्छता का अभियान उस ग्राम के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि एक नई प्रेरणा पूरे देश दुनिया को मिली है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।